एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का सब्जी की दुकान चलाया करता था। उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। हर टाइम उसके पास ग्राहकों का रश रहता था। बिट्टू भाई, आप तो बहुत खुश नसीब हो। इस महंगाई और बेरोजगारी के टाइम में भी आप बहुत अच्छी रोजी कमा रहे हो। हाँ भाई, महंगाई और बेरोजगारी तो काफी हो गई है। अल्लाह गरीब लोगों की मदद करे। बिट्टू भाई, मुझ गरीब का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। अगर आप कुछ सब्जी उधार दे दो तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। मेरे भाई, आप परेशान मत हो, आप सब्जी ले जाओ, जब दिल करे पैसे दे देना। बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। फिर वो ग्राहक खुशी खुशी सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू का बेटा वहाँ आता है। बेटा, क्या बात है, और ये बिल्ली को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? अबू, अभी ने सब्जी मंगवाई थी तो मैंने सोचा बिल्ली को भी थोड़ी सैर करवा दो। बेटा, आपको मालूम है हालात काफी खराब है, कोई बिल्ली को छीन कर ले जाएगा, इसीलिए इस बिल्ली को बाहर मत निकाला करो। ठीक है अबू, आइंदा बिल्ली बाहर नहीं लेकर निकलूंगा। अच्छा अबू, अब सब्जी दे दो। फिर बिट्टू का बेटा सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे मीठे का बेटा मिलता है। वाह यार, बिल्ली तो बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगी होगी ये तो। हाँ यार, पूरे 15,000 की है। ये तो बहुत महंगी है। अच्छा यार, ये नस्ल कौन सी है? ये पर्शियन बिल्ली है, पर्शियन। मैं भी अपने अब्बे को बोलता हूँ, मुझे भी यही बिल्ली लेकर दे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मीठे का बेटा भागता हुआ घर आता है। अरे बेटे, खैर तो है, दुदला पागलों की तरह क्यों भागा हुआ है? अम्मा अम्मा, बिट्टू अंकल ने अपने बेटे को पर्शियन बिल्ली दिलवा दी, मुझे भी बिल्ली चाहिए। अब्बा चल, मुझे पर्शियन बिल्ली दिलवा कर दे। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? यहाँ खाने का गुजारा मुश्किल से हो रहा है और तुझे फारसी बिल्ली चाहिए? अब्बा फारसी बिल्ली नहीं, पर्शियन बिल्ली, पर्शियन। अरे मीठे ले दे से बिल्ली, अपने बेटे की दिली सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। नसीबो तू फजूल चीजों में इसकी तरफदारी मत किया कर। लोग महंगाई की वजह से भूख से मर रहे हैं और इसे फारसी बिल्ली का शौक चढ़ रहा है। अरे अब्बा, फारसी नहीं, पर्शियन बिल्ली, पर्शियन। अब्बा प्लीज, इस दफा ले दे, आइंदा फजूल फरमाइशें नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ और बिल्ली का कुछ करता हूँ। फिर मीठा घर से निकलता है और दोस्त की दुकान पर आता है। यार कैसा है काम वगैरह? सुना सब ठीक चल रहा है? हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ, और काम भी बस ठीक ही चल रहा है। यार मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मीठे, तुझे बताया तो है काम बस ठीक ही चल रहा है, इस महीने तो दुकान का किराया भी देने के पैसे नहीं है और ऊपर से बिजली के बिल ने परेशान किया हुआ है। सॉरी मीठे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। फिर मीठा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक दोस्त के पास आता है। मीठे, खैर तो आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? अरे यार, खैर ही तो नहीं है, बेटे ने पर्शियन बिल्ली की फरमाइश कर दी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू कुछ पैसे उधार दे दे, अगले महीने मुझसे वापस ले ली। अबे पिछले उधार तो तूने दिए रही और नया उधार मांगने आ गया। वैसे बेटे तू भी हद करता है, घर पर मैं वेला बैठता हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा, तुझे कहाँ से पैसे दूँ? अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्कीन मत बन, तेरी बातों से ही लग रहा है तुझसे पैसे लेने की बजाय तुझे देने ही ना पड़ जाए। वैसे बेटे बात तो तू ठीक कह रहा है। अच्छा बेटे, तू एक काम कर, बिल्ली चोरी कर ले, क्यों लोगों से पैसे भाग भाग के जलील हो रहा है? हाँ वैसे बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत छितर मारेगी। अबे डरता क्यों है, कुछ नहीं होता। अच्छा ये बता, तेरी नजर में कोई ऐसा घर है जिसके पास बिल्ली हो? फिर मीठा उसे सारी बातें बताता है। ले बेटे, समझ तेरा काम हो गया, तू चल मेरे साथ उसके घर। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू के घर आ जाते हैं तो बिट्टू सो रहा होता है और उसके साथ बिल्ली बैठी होती है। वो देख मीठे, वो रही बिल्ली तेरा काम बन गया। यार फिर उठाकर निकलते हैं इस बिल्ली को। फिर वो दोनों बिल्ली उठाकर जा रहे होते हैं तो मीठे का पांव बर्तन पर लगता है तो उसकी आवाज से बिट्टू की आंख खुल जाती है और वो उनको देख लेता है, जबकि मीठा और उसका दोस्त बिल्ली लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ओए गांबे और मागे, किधर हो, इधर आओ। फिर वो दोनों मुलाजिम वहाँ आ जाते हैं।
जी मालिक, क्या हुआ आप इतना परेशान क्यों हो? गामियोड़ मागे, तुम्हें यह काम पर रखने का क्या फायदा? तुम दोनों के होते हुए मीठा मेरी बिल्ली लेकर भाग गया है। मालिक, आपको कैसे पता लगा कि मीठे ने ये हरकत की है? मागे, जब वो बिल्ली लेकर भाग रहा था तो मैंने उसे देख लिया था। बिट्टू साहब, परेशान मत हो, हम अभी जाकर मीठे की धुलाई करते हैं। मागे और गामे, तुम दोनों बस इतना करो, मीठे को बिल्ली समेत मेरे पास लेकर आओ। फिर गामा और मागा वहाँ से निकलते हैं और मीठे के घर आ जाते हैं। चल बैठे, बिट्टू साहब ने तुझे बुलाया है और वो बिल्ली कहाँ है जो तू चोरी करके लेकर आया है? मैंने कोई बिल्ली चोरी नहीं की। हाय मेरे अल्लाह, मीठे तू चोर कब से बन गया? मागे से पकड़ कर ले चल, बिट्टू साहब इसे खुद ही सच उगलवा लेंगे। फिर गामा और मागा मीठे को पकड़ कर बिट्टू के पास ले आते हैं। मीठे, मेरी बिल्ली वापस करो वरना मैं तुम्हें गामे और मागे से बहुत मार पड़वाऊंगा। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मैंने बिल्ली चोरी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगा। चलो गामे और मागे, इसे जब तक मारो जब तक ये सच नहीं बोलता। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ। फिर मीठा उसे सारी बातें बताता है। ये सुनकर बिट्टू उदास हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाय मेरे अल्लाह, औलाद की खातिर बाप को क्या काम करना पड़ता है, या अल्लाह सबकी गैबी मदद फरमा। जबकि दूसरी तरफ मीठे का बेटा बिल्ली लेकर घर आता है। अम्मा, आज तो मजा आ गया परेशान बिल्ली के साथ खेलकर। अच्छा अम्मा, अब्बा किधर है? फिर नसीबो बेटे को सारी बातें बताती है। ये सुनकर वो मायूस हो जाता है। अम्मा, अब्बा ने मेरी खातिर बिल्ली चोरी की, मैं अभी जाता हूँ और बिल्ली देकर अब्बे को लेकर आता हूँ। फिर वो बिल्ली लेकर बिट्टू के घर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बिट्टू और मीठा हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। आओ आओ बेटा, आपको परेशान बिल्ली बहुत पसंद थी ना, इसलिए ये बिल्ली मैंने आपको गिफ्ट दी। ये बताओ कैसा लगा मेरा गिफ्ट आपको? अंकल, गिफ्ट तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे समझ नहीं आई कि आपको कैसे पता चला कि मुझे परेशान बिल्ली पसंद है। बेटा, आपकी अब्बू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों मीठे, तुमने अपने बेटे को मेरे बारे में नहीं बताया था? खैर बेटा, आपकी अब्बू ने बताया था कि आपको बिल्ली पसंद है। वाकई अंकल, आप सच में मेरे अब्बू के दोस्त हैं? हाँ बेटा, आपके अब्बू और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। अच्छा अब्बू चले अंकल। हाँ बेटा चलते हैं। बिट्टू जरा साइड पे तो आओ तुम, मैंने तुमसे एक बात करनी है। फिर वो दोनों एक साइड पर आते हैं। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत बचा ली, वरना अगर आज मेरे बेटे को पता चल जाता कि ये बिल्ली मैंने चोरी की है तो उस पर बहुत गलत असर पड़ता। अरे मीठे, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो। हाँ बिट्टू मैं ध्यान रखूंगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। फिर मीठा और उसका बेटा खुशी खुशी बिल्ली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन।